सावन का महीना जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और जो विशेष रूप से हमारे भगवान शिव को समर्पित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सावन का नाम श्रवण नक्षत्र से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान जब देवता अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से जो विष निकला था वो विष हमारे महादेव ने पी लिया था और चूंकि वो विष उनके शरीर को आहत ना करे इसलिए माँ ईशा यानी हमारी माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया था, जिसके कारण उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और उस विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री भोलेनाथ का जल अभिषेक किया, जिसके बाद सभी भक्तजन सावन के इस महापर्व पे महादेव पर जल अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारी काशी को मंदिरों के शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ आकर आपको गली गली में शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। पर क्या आप जानते हैं हमारे काशी में ही एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ आकर आपको एक साथ 151 शिवलिंग के दर्शन होंगे। जी हाँ, सावन के इस महा अवसर पर इससे अच्छी बात पर क्या ही हो सकती है। तो आइए ले चलती हूँ आपको द मोस्ट ब्यूटिफुल द मनी मंदिर में। अद्भुत और भव्य मंदिर 1940 में स्थापित किया गया था। मंदिर का निर्माण लगभग 43,000 स्क्वायर फीट में किया गया है। यहाँ आकर आपको शिवलिंग के साथ साथ भगवान राम, शिव शक्ति और पंचदेव के दर्शन भी होंगे। प्रभु श्री राम के ठीक सामने मंडप में आपको 5 फीट का एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। और मंडप के दोनों तरफ आपको 151 महादेव के शिवलिंग्स देखने को मिलेंगे। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवलिंग विराजमान है जो इसे और भी अद्भुत बनाती है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के निर्माण में स्फटिक मणि का इस्तेमाल के कारण 11 शिखरों वाले इस मंदिर को मणि मंदिर का नाम दिया गया। जो जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से और श्वेत संगमरमर से बनी है और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है।
जिस वक्त मैं यहाँ आई थी उस वक्त बाबा का श्रृंगार हो रहा था। जब बात हमारे महादेव की हो रही है तो नंदी को कैसे भूल सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको बाहर एक विशाल से नंदी जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ आकर आपको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा और इसके साथ ही आपको बेहद शांति भी मिलेगी। अगर आप शिव भक्त हैं और काशी आए हैं तो इस पावन अवसर पर एक बार इस खूबसूरत से मंदिर में आकर दर्शन करने का पावन अवसर ना खोए और यहाँ आकर दर्शन करना ना भूले। Until next time, it's me, Ananta Agrawal. Tab tak ke liye, don't forget to like, share and subscribe our channel, Cherish Moments. You can also follow me on Instagram for daily updates.